हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो में हम लोग एक पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारे लिए एक ईमेल को भेज सके। इवन एक नहीं, वो मल्टीपल ईमेल को सेंड कर सकता है। मल्टीपल मतलब एक साथ कई सारी ईमेल को वो सेंड कर सकता है। तो हम लोग ये क्यों करेंगे, सबसे पहले एक कॉमन सा प्रॉब्लम समझते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। मान लीजिए, लेट अस सपोज आप 50 लोगों को एक साथ ईमेल भेजना चाहते हो अपने जीमेल के अकाउंट से। और अगर आप डेवलपर हो तो फिर आपको क्या ईमेल जीमेल को लॉगिन करके एक एक ईमेल आईडी पे मैसेजेस भेजना सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। और अगर आपके पास किसी फाइल में वो ईमेल्स रखी हुई हैं, या एक्सेल फाइल है, या मतलब किसी डेटाबेस में फाइलें रखी हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग एक सिंपल टेक्स्ट लिखें, अपना सब्जेक्ट लिख दें, अपना टेक्स्ट मैसेज में लिख दें और हम एक प्रोग्राम बना दे और वो प्रोग्राम क्या करे, हमारे 50 ईमेल्स को फाइल्स रीड करे, या हम उनको एक लिस्ट में दे दें और हमारा प्रोग्राम सिंपली एक एक करके सारे हमारे ईमेल को, ईमेल आईडी को, सारे मैसेजेस को सेंड कर दे। ये मतलब आपका काम हमारा पाइथन का प्रोग्राम कर दे। तो हम लोग देखेंगे कि आप कैसे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे एक सिंपल सी पाइथन की स्क्रिप्ट बना सकते हो जिसमें आप कई सारी ईमेल्स दे सकते हो और अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड दे सकते हो। आपका पाइथन का प्रोग्राम क्या करेगा, आपकी जीमेल की ईमेल और आईडी को यूज करके जितनी भी आप आईडीज दोगे उनको सिंपल मेल भेज देगा। तो देखते हैं कैसे करना है हम लोग को। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आपको पाइथन की एक स्क्रिप्ट बनानी है जिसमें आप ईमेल्स को दोगे और मैसेज दोगे और आपका प्रोग्राम ईमेल्स को सेंड कर देगा विद इन फ्यू लाइंस ऑफ कोड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है। तो मैंने पाइथन के स्क्रिप्ट को लिखने के लिए यहाँ पे यूज किया है विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोग कोई टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, आप सबलाइम यूज कर सकते हो, पाइचार्म यूज कर सकते हो और कोई भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक यहाँ पे अपने ईमेल आईडी से सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। तो आप जाओगे जीमेल पे और सबसे पहले जिस ईमेल आईडी से आप मैसेज को सेंड करना चाहते हो उस ईमेल आईडी से सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आपको एक सेटिंग ऑन करनी होगी। जब सेटिंग ऑन कर दोगे तभी जीमेल अलाउ करेगा मैसेजेस भेजने के लिए। तो सेटिंग ये है, आप गूगल पे सर्च करोगे। अच्छा, सेटिंग को कहते हैं लेस सिक्योर एप्स। तो आप गूगल पे जैसे सर्च करोगे लेस सिक्योर ऐप, मैं सर्च करके दिखाता हूं आपको। तो मैं यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स में आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा लेस सिक्योर ऐप और एंटर कर दूंगा। तो जो सबसे पहले लिंक ओपन होगी उस लिंक को हम लोग ओपन कर लेंगे, ये देखें यहाँ पे। और वेबसाइट का नाम है myaccount.google.com/lesssecureapp। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपको ये वाली सेटिंग मिलेगी। आपको सिंपली क्या कर देना है, इस सेटिंग को ऑन कर देना है। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तभी पाइथन प्रोग्राम आपकी जीमेल आईडी को यूज करके ईमेल को सेंड कर पाएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट ही नहीं अलाउ करेगा। या आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन आप कर लीजिएगा। मैं ये वाला तरीका बता रहा हूँ। इससे कैसे करेंगे, तो सिंपली आप लेस सिक्योर ऐप को ऑन कर दीजिए यहाँ पे। और अगर आपने लेस सिक्योर ऐप को ऑन कर दिया तो अब आपका पाइथन का प्रोग्राम आपके मैसेजेस को सेंड कर देगा बहुत ही आसानी से। तो हम लोग आ जाते हैं और पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली मिनिमाइज कर देंगे और हम लोग आएंगे वीएस कोड में। और सिंपली मैं यहां पे जाऊंगा ऐप फाइल पे और न्यू फाइल पे क्लिक कर दूंगा और न्यू फाइल को मैं सेव कर दूंगा। तो फिर से मैं जाऊंगा फाइल पे और यहां पे एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप कंट्रोल एस क्लिक कर सकते हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, और अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो कमांड एस। सिंपल ये पूछ रहा है कहां पे मुझे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप यहां से चूज कर लूंगा और डेस्कटॉप पे मैं नाम दूंगा मेल sender.py और एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी फाइल बन जाएगी और इस फाइल में पाइथन का कोड लिखने के बाद देखते हैं पाइथन का कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल पाइथन का कोड लिख देंगे, हम लिख देंगे प्रिंट जस्ट टेस्टिंग। ठीक है, अब इसको रन कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा है। मैंने कोड रनर का एक एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करके रखा है। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, मैं देखें मेरे यहां पे एक आइकन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पाइथन क्या, ये कोड रनर क्या करेगा, हमारे पाइथन के स्क्रिप्ट को रन कर देगा। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। तो देखिए टर्मिनल पे जाके आप यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं चलूंगा डेस्कटॉप पे, तो लिखूंगा सीडी डेस्कटॉप और यहां पर लिखूंगा Python 3। अब मैं पाइथन 3 इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ पाइथन लिखना है और अपनी फाइल का नाम दे देना है मेल सेंडर
.py और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इसमें से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, सिंपली रन करना इस फाइल को, कैसे भी रन करो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। तो अब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम लोग को प्रोग्राम बनाने के लिए करना क्या होगा, सिंपली देखिए आपको एक मॉड्यूल चाहिए जो कि मैं इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। तो मॉड्यूल मुझे चाहिए, कौन सा मॉड्यूल चाहिए भाई, मुझे चाहिए SMTP lib करके एक मॉड्यूल है जो अलाउ करता है SMTP प्रोटोकॉल को यूज करके मेल को सेंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट, और मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, इम्पोर्ट SMTP, ये देखिए lib आ रहा है, SMTP lib, इस वाले मॉड्यूल को यूज करूंगा एज एस सिंपल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे मॉड्यूल इम्पोर्ट हो गया। अब हम इस SMTP के अंदर की चीजें यूज कर सकते हैं, एस की हेल्प से यूज कर सकते हैं। तो एस की हेल्प से कैसे यूज करेंगे सब लोग देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा SMTP क्लास का। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एक वेरिएबल लूंगा OB इज इक्वल टू s.smtp। ठीक है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, दिस क्लास मैनेजेस कनेक्शन टू SMTP और ESMTP सर्वर। तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको हम दो चीज देंगे। सबसे पहला, आप अपने SMTP सर्वर का होस्ट प्रोवाइड करना है SMTP सर्वर का। तो Gmail का हम लोग SMTP सर्वर यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेल या smtp.gmail.com। ठीक है, और आपको पोर्ट नंबर देना है, तो पोर्ट नंबर आपको देना है 587। ठीक है, ये आपका पोर्ट नंबर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन स्टार्ट करना है, और इनक्रिप्टेड कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ob.start.tls। जैसे ये वाला फंक्शन कॉल करोगे तो देखिए ये बता रहा है पुट द कनेक्शन टू SMTP सर्वर इनटू TLS मोड। दैट मींस TLS एक इनक्रिप्शन का तरीका होता है, तो आपका कनेक्शन TLS के मोड में स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर लूंगा, एंड उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, लॉग इन करना है। तो सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा ob.login, और लॉगिन में मुझे यूजर नेम पासवर्ड देना है अपना, तो अपनी जीमेल आईडी और अपना पासवर्ड दे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपनी जीमेल आईडी, जो मैं जिससे मुझे सेंड करना है मैसेजेस को, @gmail.com। तो ये मेरी जीमेल आईडी है जिससे मुझे मैसेजेस भेजने हैं, और उसके बाद मुझे अपना पासवर्ड देना है, तो मैं अपना पासवर्ड दे दूंगा। तो ये रिकमेंडेशन तो नहीं है कि पासवर्ड आप अपने स्क्रिप्ट में टाइप करो, पासवर्ड आप किसी दूसरे फाइल में रख सकते हो, पासवर्ड आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के पाथ वगैरह में रख सकते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल में रख सकते हो। बट ये रिकमेंडेशन नहीं कि डायरेक्टली अपने स्क्रिप्ट में आप पाथ को यूज करो, बट फिलहाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग चीजें अभी सीख रहे हैं। उसके बाद सिंपली जब लॉग इन हो जाएगा, उसके बाद मुझे मैसेजेस बनाना है और मैसेजेस बना के सेंड कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा एक, तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट कि हमारे ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा। तो मैं लिख दूंगा ऐसे सेंडिंग ईमेल यूजिंग पाइथन। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना प्रॉपर मैसेज लिख दूंगा। तो प्रॉपर मैसेज देने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लूंगा मैसेज, और मैसेज या सब्जेक्ट के बाद बॉडी ले लेते हैं, तो एक बॉडी टाइप का वेरिएबल लूंगा और इसमें अपनी बॉडी लिख दूंगा, ऐसे लूंगा दिस इज ट्यूटोरियल ऑफ सेंडिंग ईमेल यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट इन सिंपल स्टेप्स। परफेक्ट, तो हमारे मैसेज के दो पार्ट हो गए, एक सब्जेक्ट हो गया, एक बॉडी हो गया। अब हम लोग अपना मैसेज बनाते हैं टोटल। ठीक है, तो मैसेज में हमें क्या करना है, मैसेज वेरिएबल में ये सब्जेक्ट और ये बॉडी दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने का सेंटेक्स कुछ ऐसा है, आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट और फिर लगाना है कोलन, और यहां पे लाना है सब्जेक्ट। तो मैं अभी फॉर्मेट फंक्शन यूज करूंगा यहां पे, इस जगह पे सब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। उसके बाद आपको दो लाइनें चेंज करनी है, तो मैं लिखूंगा \n\n, और उसके बाद फिर आपको दे देना होगा यहां पे बॉडी। और ये दोनों चीजें प्लेस करने के लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट में सबसे पहला आर्गुमेंट सब्जेक्ट पास कर दूंगा, कॉमा दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो बॉडी पास कर दूंगा। परफेक्ट, इससे होगा क्या, आपका सब्जेक्ट इसकी जगह पे आ जाएगा और आपका बॉडी इसकी जगह पे आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप एक बार प्रिंट करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे प्रिंट करोगे और अगर अपने प्रोग्राम को रन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हल्की सी गलती हो गई, तो मैं .com लिखता हूँ और अपने प्रोग्राम को सिंपली रन करता हूँ। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि आपका सब्जेक्ट ये बना, सब्जेक्ट सेंडिंग मेल यूजिंग पाइथन, और आपका बॉडी ये बनी। तो सिंपली मैं आपको सिंपली बस दिखा रहा था, अब हम लोग मैसेज को सेंड करेंगे। तो मैसेज को सेंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली एक ओबी के पास फंक्शन है ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स SMTP क्लास के अंदर फंक्शन है सेंड ईमेल,
और सेंड मेल मैसेज मैं फंक्शन यूज कर लूंगा। और यहां पे मुझे तीन चीजें पास करनी है। पहली चीज हमें किससे मैसेज भेजना है, किस ईमेल आईडी से मैसेज भेजना है, वो वाली ईमेल आईडी। दूसरी चीज मुझे देनी है कितनों को मैसेज भेजना है, मतलब रेसिपिएंट कितने को मैसेज भेजना है। लिस्ट के फॉर्म में सारे हम ईमेल आईडी दे सकते हैं। और तीसरा मुझे मैसेज, तो मैसेज मुझे भेजना है अपनी ईमेल आईडी से texofindia2019। और कितने को मैसेज भेजना है, मुझे यहां पे एक लिस्ट भेजनी है, तो लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। और फिर क्या मैसेज भेजना है, मैसेज। ठीक है, अब हम यहां पे बनाएंगे लिस्ट ऑफ मैसेजेस, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे लिस्ट ऑफ एड्रेसेस। और मुझे यहां पे कितनों को मैसेज देना है सबकी ईमेल आईडी, तो सिंपली मैं यहां पे देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ईमेल आईडी अपनी दे दूंगा और फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और अपनी दूसरी ईमेल आईडी दे दूंगा। और उसके बाद आप जितनी भी ईमेल आईडीज हैं आपके पास सारी आप यहां पे प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ लिस्ट। और अगर ये एक टाइप की लिस्ट है तो इसमें आप बहुत सारी ईमेल आईडीज दे सकते हो, और सिंपली जितनी भी आप ईमेल आईडी दोगे वो सारी ईमेल आईडी यहां पे आ जाएंगे। परफेक्ट। अब आप सिंपली जब ये सारा हो जाएगा तो ईमेल सेंड हो जाएगा, सिंपली आप क्विट कर सकते हो, और इवन क्विट करने से पहले मैसेज दे सकते हो सेंड सक्सेसफुली, या आप क्विट करने के बाद भी दे सकते थे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्पेसेस को सही कर लेता हूं। तो हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट 10 लाइंस में। अब हम अपने प्रोग्राम को सिंपली रन करेंगे और देखेंगे क्या मैसेजेस सेंड हुए। तो सिंपली आप प्रोग्राम को रन करने के लिए इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो, या आप टर्मिनल को ओपन करके और इस पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हो। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग प्रोग्राम अपने हिसाब से रन कर लेंगे, तो मैं सिंपली रन बटन पे क्लिक करूंगा और प्रोग्राम चलने का वेट करूंगा। तो थोड़े देर बाद ये थोड़ा टाइम लेगा मैसेज को सेंड करने के लिए, और उसके बाद जब मैसेजेस सेंड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल जाएगा सेंड सक्सेसफुली। तो अब हम अपनी ईमेल को चेक करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाली ईमेल को चेक करने जा रहा हूँ, और उसके बाद ये वाली ईमेल भी आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए मेरी ईमेल आईडी यही लॉगिन है, ठीक है, 305@gmail.com। और सिंपली अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी एक मुझे एक ईमेल आया है, और ईमेल किस ईमेल का सब्जेक्ट और टेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं और टाइम चेक करते हैं कि क्या है। तो इसको लोड हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैसेज है टेक्स ऑफ इंडिया 2019 से सेंडिंग ईमेल यूजिंग पाइथन। और अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा दिस इज ट्यूटोरियल ऑफ सेंडिंग ईमेल यूजिंग पाइथन स्क्रिप्ट इन सिंपल स्टेप। और ये मैसेज आया अभी जस्ट एक मिनट अगो, दैट मीन्स जस्ट अभी 3:48 PM पे आया। इसका मतलब हमारा जो हमने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो काम कर गई, ये वाली स्क्रिप्ट, और इसने हमारे दोनों ईमेल आईडीज को मैसेज दे दिया। अब इवन ये ईमेल आईडीज आप डेटाबेस से निकाल सकते हो, अपनी एक्सेस शीट से निकाल सकते हो, और आप डिफरेंट टाइप के सोर्सेज से ईमेल आईडीज को निकाल करके स्क्रिप्ट के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हो। तो यहाँ पे होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।